हम कह रहे थे तुमसे, तुम समझ नहीं रहे। खबरदार, जो भागने का कोशिश किया है तो भून के रख देंगे तो कहां। अरे खाली है तेरे भेजे की तरह। ऐसा आप कहते सर, अगर हम होते तो क्या है ना, रात में बंदूक की सफाई किए थे और गोली आपके टेबल के दराज में रखी है, ला दूं क्या? ससुरा कभी मरवा दोगे हमको? काश ऐसा कभी ना हो सर, कभी ना हो। अरे कहां गए थे ससुरा, यहां बाहर बैठा है। सर सुबह का काम था सर। अरे तू यहां बाहर कैसे आया? बुलबुल पांडे, अभी तो इसको हटाओ, ये खाली है। पांडे जी, इमोशन, प्रमोशन और लूज मोशन किसी के रोके रुक नहीं सकता। और आई एम बिलू द स्पाई, बिना मेरी मर्जी के कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकता। देखो, तुम देखो, इसी दरवाजे से हमारी मैडम सर आएगी। गया क्या? और मुझे यहाँ से लेके जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ टिका हूँ, वरना कब का फिर हो चुका होता। हट, खड़ा, ए, अंदर डाल इसको। अरे सर 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 सर, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं सर सर सर। तुम्हारी मैडम सर कुछ नहीं कर सकती, कोई सबूत नहीं मिलने वाला उसे, उस डायरेक्टर के खिलाफ, समझे? कहाँ है बिल्लू? चैन सर, माँ, बिल्लू, माँ, बिल्लू मेरे नाल। संभालो संभालो अपने आप, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैडम सर कुछ कर रही है? नहीं बेटा नहीं, उन्हें माफ कर दे, वो कुछ नहीं कर पाई। अभी भी कुछ नहीं किया, उनके हाथ जो सबूत लगे थे वो भी डिलीट हो गए। हाँ बेटा, नहीं नहीं, माफ कर दे बेटा, इस अभागन माँ को माफ कर दे, इस अभागन माँ को माफ कर दे बेटा। माँ, इसलिए माफ कर रहा हूँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी, बिलोटे बिलोटे, ख्याल रखना। सर मुझे छोड़ दो सर, ये क्या है, मुझे छोड़ दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत हाँक रहे थे ना, कोई पुलिस स्टेशन हमें रोक नहीं सकती। सर इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो। यस, तुमको हम इग्नोर कर रहे हैं। सर सर प्लीज सर, तुम जल्दी तू हटो प्लीज, हटाओ। बुलबुल पांडे, तुम क्या मुझे बांध के रखोगे? बांधेगी तो मैडम सर और करिश्मा मैडम तुम्हारा पुलिंदा, फिर तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, देखना। ओ आजा जी, आज तो हम लोग ना ऐ की है वे, वो साड़ी स्क्रिप्ट है, वो ऐ की वाला लाश है। सर कैलाश, वो तेनु ना दी पड़ी है, मेरा करियर टुकड़े टुकड़े हो गया वे। या किसने किया हुए? सर चूहों की करतूत लग रही है। चूहे? ओ चूहे कहाँ से आ गए यहाँ? बेड़ा गर्क हो गया हुए, बेड़ा गर्क हो गया हुए। सर सर बैठ, मेरी स्क्रिप्ट हुए। सर रिलैक्स सर, रिलैक्स सर, देखिए आपके फोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी है ना, प्रिंट निकालेंगे, प्रॉब्लम क्या है सर? वही तो प्रॉब्लम है हुए, इसकी कॉपी नहीं है मेरे फोन में। संतोष शर्मा, क्या आप अभी शंभू के फोन को एक्सेस कर सकती हैं? हाँ मैडम। ग्रेट, तो एक काम करिए, उसके फोन में बिल्लू की जो स्क्रिप्ट है वो हमें मेल कर दीजिए, उसके पास उस स्क्रिप्ट की जितनी भी कॉपीज है वो सब डिलीट कर दीजिए, एक भी कॉपी नहीं बचनी चाहिए, और उसके पास वापस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। होगा? हो जाएगा। आ गया हो, कुछ नहीं बचा, बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर कैसे बनेगी सर? वो ये पिक्चर नहीं बनी तो बेड़ा गर्क हो जाना है मेरा, तो मैं एडवांस ले चुका हूँ फाइनेंसर से, और पिक्चर अनाउंस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और ये पिक्चर रुक गई ना तो मेरे पूरे करियर विच फुल स्टॉप लग जाना है। तो कुछ कर, तो लाश कुछ कर, मैंने स्क्रिप्ट चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए मैंने, ला कहीं से भी। सर मैं कहाँ से लाऊं स्क्रिप्ट? कॉपी है ना सर, स्क्रिप्ट की कॉपी है। और कितने है? आपके दिमाग में ये स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है ना खुद, ओरिजिनल, तो फिर दुनिया की सारी कॉपीज डिलीट क्यों ना हो जाए, एक कॉपी आपके दिमाग में तो हमेशा रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं, लिख दीजिए फिर से। मैं लिखूंगा ये स्क्रिप्ट। ओए
महाप्रभु महाप्रभु आइए आइए, धन भाग हमारे जो आप जैसे महान निर्देशक हमारे थाने में आए। निकालो। किसे निकालो? दिमाग का कचरा। उसके दिमाग का कचरा सर, उसके दिमाग का कचरा। ओ इस राइटर नु बाहर निकालो, पांडे जी छेती करो। इसे क्यों? तो क्योंकि मैंने इससे फिल्म दी स्क्रिप्ट सुननी है। अरे पहले पहले वाली तो बना लो। अरे पहले वाली सुननी है पाई। फिर से? हाँ फिर से। ओ लाश बता। लाश और ठीक है वह बता इन्हू क्यों सुननी है स्क्रिप्ट। भाई देखो बात ऐसी है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को खा गए चूहे और सर के पास इसका दूसरा कॉपी तो है नहीं, तो फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी। इसीलिए सर को बिल्लू राइटर से दोबारा स्क्रिप्ट सुननी है ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके और स्क्रिप्ट रेडी कर सके। आया समझ? ओ फटाफट शुरू हो जाओ चल। एक मिनट एक मिनट। क्या कर रही है? अब मैं चेक कर रहा था कि कुछ कैमरा वैमरा तो फिक्स नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो नहीं कर रही है। पूछिए पूछिए आप पूछिए, बैठिए आइए। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। क्या शुरू करना है? और तुझे याद है तू साडे ऑफिस में आया था, कहानी सुनाई थी तूने। साडे ऑफिस कहाँ? ओए कहानी, ओए कहानी। कहानी किसकी? कहानी और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिसमें मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ मैं कहानी लिखता हूँ। याद नहीं है तुझे? नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। ओए तू अपनी लिखी कहानी कैसे भूल सकता है? हम याद दिला देते हैं। आप लोग यहाँ का कर रहे हैं? वो तुसी इन दोनों जानते हो? अरे हमारा छोड़िए, आप कैसे जानते हैं इन्हें? नहीं वो अहम बात नहीं है कि वो हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं, हम उनका स्क्रिप्ट जानते हैं विस्तार से पूरे संवाद के साथ, ये अहम बात है। अभी क्यों सर? तो सर शुरू करें? शुरू करें? अरे क्या कर रहे शंभू जी, दोनों पुलिस वालियां हैं। ओ पता है मैनू, मैंने बनाया है। क्या कहा आपने बनाया? इतनी पहुंच है आपकी? हाँ भाई शुरू करो। तो एक फिल्म के फिल्मी हीरो ने कहा कि वो करिश्मा सिंह से एक्शन सीखना चाहता है, फिर नकली की जगह असली गुंडों को भेजकर करिश्मा सिंह को सच में पिटवाने लगता है और करिश्मा सिंह नीचे गिर जाती है। तभी हसीना मलिक वहां आती है और गुंडे को एक जोर का पंच मारती है और कहती है कि जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते, इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। और फिर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक साथ में मिलकर उस गुंडे की पिटाई करते हैं। क्यों सर यही है ना? वो कमाल है वे, वो कमाल है। ओए यही तो है, यही तो है साडी स्क्रिप्ट। ओए ओए बिल्कुल यही डायलॉग थे जी, डिट्टो। बस एक गलती है, करेक्टर दे ना गलत है। हसीना मलिक ते करिश्मा सिंह नहीं, ओ हैजल ते कैरी होंगी साडी हीरोइन। कोई नहीं वो तो मैं कर लूंगा। पर मैंने ये दसा कि ये पूरी स्क्रिप्ट तुम दोनों नु याद कैसे है? क्योंकि हम ही है S.H.O हसीना मलिक और हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। शॉक के रिएक्शन है ये, यानी आप पहले से जानते नहीं थे कि दोनों पुलिस वालिया हैं, हैं? लेकिन आपने तो कहा कि आपने इन्हें बनाया। वो बनाया तो है पर वो तो फिल्म विच ना, और मेरी फिल्म की हीरोइन ये दोनों तो है। यानी कि अब आ गए इनके झांसे में, हैं? बना दिया इन्होंने आपको भी। मैंने पहले ही कहा था इन पुलिस वालियों से जरा दूर रहिएगा। वो इतना बड़ा धोखा? धोखेबाज तो आप हैं समझे, जो दूसरों की मेहनत पर टाका डालकर उनके विश्वास के साथ खेलते थे। जैसे आपने बिल्लू का स्क्रिप्ट चुराया, उसके विश्वास के साथ खेला, तो धोखेबाज आप हुए। कौन कहता है कि इन्होंने ऐसा किया? क्या सबूत है बताइए। एक मिनट इधर आइए। सर 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 आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। और लिख लेंगे लिख लेंगे। आ जाओ। तो कहानी सुनाओ। कहानी? कहानी किसकी? कहानी वो तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिसपे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ मिल गया सबूत। मुझे मालूम था सीता और गीता आएगी, धरती का सीना चीर कर और मुझे यहाँ से वापस ले जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो,
तुम्हारी करतूत खुद के मुंह से उगलवाने के लिए ये सब नाटक रचा था। प्लान था ये, यही सब बताने के लिए पुष्पा जी और चीता यहाँ कलाए थे। आपने बिल्लू की कहानी चुराई है, इस बात का सबूत है हमारे पास, जो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। तजुर्बा कहता है हमारे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह होता है किसी की क्रिएटिविटी, किसी की मेहनत का क्रेडिट चुरा लेना। इसलिए सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। आप डायरेक्टर तो बहुत बड़े बन गए, बट अफसोस कि आप इंसान बहुत छोटे रह गए। बिल्लू चंपत, यस मैडम सर। उम्मीद है अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी लिखो या कुछ भी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे। कॉपीराइट बहुत जरूरी है। राइट। अब मिस्टर बुलबुल पांडे, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बिल्लू की बेगुनाही साबित कर देंगे, तो हमने कर दिया, अब छोड़ दीजिए इसे। ठीक है ऐसे जो हसीना, ये जीत भी आपके खाते में चली गई, लेकिन याद रखिएगा असली लड़ाई अभी बाकी है। बेस्ट थाना प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे, और इसे धमकी मत समझिएगा, चेतावनी दे रहे आपको। एक सलाह हम भी देना चाहते हैं आपको बुलबुल पांडे, ये जो आप हमारे महिला पुलिस थाना पे बार बार चोच मारते रहते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया हमने आपका सम्मान, हमारा दिमाग घूम गया ना, ऐसा बुलबुल उड़ाएंगे कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रह जाओगे, समझ रहे हो? ये भी हम चेता रहे हैं। जय हिंद बिल्लू। जय हिंद। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। आज फिर से मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्लू चंपत अकेला नहीं है, उसके साथ ये महिला पुलिस थाना का पूरा परिवार है। बिल्लू चंपत, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया। और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बात थी इंसाफ की, बात थी हक की। हमने तो बस अपना काम किया और जो हमेशा से करते आए हैं, हर केस को अपना फर्ज समझकर नहीं अपना धर्म भी समझकर निभाते आए। इसीलिए तो हमें लगता है थाना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये महिला पुलिस थाना ही है। मैडम सर, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कहना पड़ रहा है, ये बुलबुल पांडे ऐसा होने नहीं देगा। मैंने देखा है वो एकदम सोच समझ कर एकदम प्लानिंग के साथ अपने थाने में FIR लिखना कम कर दिया है, कम क्या ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। पर ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि जब पहले हमारे थाने में केसेस नहीं आते थे तो हमारा थाना बंद होने जा रहा था, अब उनके थाने में केसेस नहीं आएंगे तो उनका थाना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है संतू। ये प्रतियोगिता जीतने का पहला चरण है कि थाने में FIR ही नहीं आ रही है। जिस थाने में FIR नहीं आ रहा है मतलब उस क्षेत्र में क्राइम रेट कम है, और अगर क्राइम रेट कम है मतलब वहाँ का कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, मतलब वहाँ का पुलिस जो है एकदम अव्वल नंबर पर काम कर रहे हैं, समझ रही हो बात को? ये चल रहा है उसके दिमाग में, इसलिए उसने FIR लाना बंद करवा दिया है। पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस आ रहे हैं उनकी तो FIR रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी, ये तो आम आदमी का अधिकार है। इसका मतलब हम लोग ही थाना प्रतियोगिता हार जाएंगे का मैडम सर? नहीं नहीं नहीं, तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, फिर रिपोर्ट कम लिखते हैं। नहीं, हर केस को पूरी ईमानदारी से ही सुलझाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो। बिल्कुल नहीं, हमारा ये महिला पुलिस थाना दिल जीतने के लिए खुला है, कोई कंपटीशन नहीं। मगर मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, हम अपने काम काज में अपने तौर तरीके में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। एक कंपटीशन जीतने के लिए हम अपना जमीर नहीं हार सकते। क्लियर? जी मैडम सर।